हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, आपके बुक के पहले चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अपनी पिछली क्लासेस से हम इस चैप्टर को कवर अप करते हुए आ रहे हैं और इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अब जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें पहले नंबर का अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उस चीज को करेंगे कंटिन्यू जहां पर हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। वियोजन अभिक्रिया के बारे में आपको बताऊंगा, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको आपको बताऊंगा। वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वहां से कभी कभी मतलब मोस्टली एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, एक नंबर का, दो नंबर का, ठीक है। तो आपको आज की क्लास में जो बातें बताई जाएंगी वो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, आपको उसको पढ़कर मजा आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सबके साथ फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, कॉपी पेन लेकर जुड़ चुके होंगे। आप अपना ध्यान अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिए, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था वो जो हम लोग अपनी पिछली क्लास में बात कर रहे थे, यानी संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा था जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन द रिएक्शन इज नोन कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी क्लियर। और आज हमको बात करनी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करने से पहले आई थिंक मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और वो होमवर्क था ये दो रिएक्शंस मैंने आपको बैलेंस करने के लिए दी थी। तो इनकी जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। संतुलित रासायनिक समीकरण, जब आपने इसको संतुलित किया होगा तो यहाँ पर 2 आया होगा, और जब आपने इसको संतुलित किया होगा तो आई थिंक 2 है, इधर 1 है, ओके, ओके, इसको रिमूव कर दीजिए। एंड ये आई थिंक ये होगी आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये आपने आपको जो क्वेश्चन दिए थे मैंने अपनी पिछली क्लास में, ये उनके आंसर्स हैं। रासायनिक समीकरण मैंने संतुलित करने को दी थी, तो संतुलित करने के बाद ये कुछ इस तरह की दिखाई देनी आपको चाहिए, ठीक है। तो इक्वल है, हाइड्रोजन यहाँ से 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 to the 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 4 इधर 4 इधर। देन उसके बाद ऑक्सीजन 2 1 2 हो गई, ऑक्सीजन 2 1 2 हो गई, ठीक है। और उसके बाद सोडियम 2 1 2 हो गई और यहाँ भी सोडियम 2 1 2 हो गई। तो आई थिंक सब बैलेंस है, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई होगी आपको। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करना। और यहाँ से क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में बनता है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक का नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो है बच्चों, ये संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत आप इसे कह सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया में जहां एक अभिकारक टूट एक दो अभिकारक मिलकर दो या दो से अभिकारक अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे पदार्थ हमको देगा, ठीक है। तो पहले मैं एग्जांपल लिखने से पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन इज मच मच सिमिलर टू संयोजन अभिक्रिया, ये उसका ऑपोजिट आप इसे, उसका उल्टा आप इसे कह सकते हैं। पीछे हमने क्या लिखा था, जब व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब अभिकारक क्या है, दो या दो से अधिक है, उत्पाद क्या है, एक। यहां पर उल्टा हो जाएगा, यहां पर अभिकारक एक होगा, उत्पाद दो या दो से अधिक हो जाएंगे, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई, इसी चीज को मैं लिखने वाला हूं यहां पर। तो सीधे डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड इनटू टू और मोर सिंपलर
सब्सटेंसेस। जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में टूट जाता है, व्हेन अ सिंगल सब रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं नीचे लिख रहा हूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई थिंक मैं यहां पर छोटी छोटी मिस्टेक्स बना रहा हूं, तो आई होप आप उन्हें इग्नोर करेंगे, ठीक है? कैपिटल स्मॉल ये आप लोग जो है अपने हिसाब से देखिए। चलिए, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की हमने डेफिनेशन लिख ली है, ठीक। नेक्स्ट, इसकी जो हिंदी में परिभाषा हो जाएगी, जब एकल अभिकर्मक मतलब सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किस तरफ होता है, प्रोडक्ट किस तरफ होता है, ये आपको याद होगा। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यहां ऊपर सब्सटेंसेस की जगह भी आप उत्पाद प्रोडक्ट लिख लीजिए तो समझने के लिए आसान हो जाएगा, प्रदान करता है, तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है? यहां पर बोला था मैं सब्सटेंसेस लिखा आपने, ओके है, बट उसकी जगह पे आप इंस्टेड ऑफ दैट प्रोडक्ट लिख लीजिए, इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो ये हो गया हमारी अभिक्रिया। अब इसमें जरा ध्यान देने वाली, पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, बाकी जो बातें हैं हम लोग इसके बाद करेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल यानी उदाहरण सिंपल है, जो जो बातें यहाँ से बता रहा हूँ मैं रिलेट कर रहा हूँ, आपको डेफिनेशन लिखनी है, याद करनी है, दो चार बार आप इसे लिखेंगे, याद करेंगे, आपको याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, कोई बड़ा इसमें टास्क नहीं है, ठीक है? तो एक अभिक्रिया मैं इसमें लिखता हूँ सॉरी एक अभिक्रिया इसमें लिखता हूँ ट्वाइस फेरस सल्फेट गिव Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ऊष्मा। इसका मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब होता है ऊष्मा, ठीक है? ऊष्मा यानी हीट, हीट लिख लेता हूं यहां पे। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या हुआ, अभिकारक कितना था, अभिकारक इस तरफ होता है तीर के, उत्पाद उस तरफ होता है, अभिकारक कितना था एक, उत्पाद कितने मिले तीन, 1 2 3। पीछे देखो अभिकारक कितने थे 1 2, उत्पाद कितना मिला एक, उल्टा हुआ ना, अभिकारक ज्यादा थे उत्पाद यहां कम मिल रहा था, और इधर देखो अभिकारक कम है उत्पाद ज्यादा मिल रहा है। तो समझने का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के लगभग विपरीत है, ये आपको दिमाग में बना के रखना है तो आपको ये याद रहेंगी, ठीक है? अब जो यहाँ पर पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, चलिए यहां तक समझ में आ गया संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता रहा हूँ। ये जो पदार्थ है इसका नाम है फेरस सल्फेट, आयरन का ही सल्फेट है, फेरस सल्फेट, और इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। देखो दोनों जगह आयरन है, लेकिन एक जगह हम फेरस लिख रहे हैं और एक जगह फेरिक लिख रहे हैं, तो ये चीजें भी आपको भविष्य में सीखनी है, ठीक है? ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है? गैसों के नाम है, ये दोनों गैसे हैं, एंड दिस वन इज इन सॉलिड, ये ठोस है। चलिए अब क्या बात कर रहे थे हम, संयोजन अभिक्रिया के ऊपर। संयोजन अभिक्रिया मैंने आपको क्या बताई थी, ये बताई थी जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के अब आज मैं आपसे कुछ उदाहरण डिस्कस करूंगा, ठीक है? ये मैंने संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया बता दिया, इतना समझ में आ गया। अब हम सिर्फ उदाहरण डिस्कस करेंगे, तो उदाहरण यहां पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया के कुछ
महत्वपूर्ण उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या क्या उदाहरण है देखो ध्यान से। नंबर वन, संयोजन अभिक्रिया याद है ना, दोबारा से दिमाग में डाल रहा हूं। अभी हमने जो पढ़ी वो वियोजन अभिक्रिया थी, संयोजन अभिक्रिया जो हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वो थी। ये है, दो अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद बनेगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद बनेगा, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया के ऊपर हम अभी आ गए हैं। फिर से संयोजन अभिक्रिया में मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया था और वो उदाहरण था ये 1, 2। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट उदाहरण आता है वो है आपके पास ये वाला। पहले मैं अभिकारक अभिक्रिया लिख लेता हूं और फिर उसके बाद आपके उसके ऊपर चर्चा करता हूं। तो अभिक्रिया हमारे पास CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। जो बातें यहां पर महत्वपूर्ण लिखी गई हैं ये महत्वपूर्ण होने भी वाली है, ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। प्लस या ऊष्मा, हीट का मतलब ऊष्मा। तो यहां पर क्या हो रहा है, 1, 2 अभिकारक, उत्पाद कितना बना 1, ठीक है, वो ऊष्मा है, ऊष्मा उत्पाद नहीं है, ऊष्मा इज द इफेक्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया का प्रभाव है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। अब इन पदार्थों के नाम मैं आपको बताता हूं। ये अभिक्रिया आपने कहां देखी है, मैं किस क्यों बोल रहा हूं कि ये बिना बुझा चूना, चूना आप सबने देखा है। चूना जो है जब आप मार्केट से लेके आते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बिना बुझा चूना है बच्चों, ये क्या करेगा, बिना बुझे चूने के आप क्या करते हो, एक प्लास्टिक के बैग में या फिर एक कट्टे में आप मार्केट से लेके आते हो और उसके बाद उसमें पानी मिलाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं, पानी मिलाने के लिए आप कौन सा बर्तन लेते हो, अगर किसी ने करा होगा ये काम या फिर किसी ने देखा होगा ये काम तो उसको पता है कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। जब भी हम मार्केट से चूने को लेके आते हैं और उसको घोलने का काम करते हैं तो ये हमेशा एक लोहे की बाल्टी में किया जाता है, ठीक है, लोहे की बाल्टी में चूना घोला जाता है। ये बात सबको पता होगी, कुछ बच्चों को पता होगी कुछ बच्चों को नहीं। क्यों किया जाता है ऐसा, बिकॉज जब बिना बुझे हुए चूने में पानी मिलाया जाता है तो ये अभिक्रिया में आप देख रहे हैं ऊष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है, हीट मतलब गर्मी, और गर्मी कोई मामूली गर्मी नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। आप इस गर्मी को हाथ लगा करके बर्तन पर महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जब मैं इस चूने को प्लास्टिक की बाल्टी में घोलूंगा, किस कौन सी बाल्टी में, आपने बोला सर प्लास्टिक की बाल्टी में क्यों नहीं घोल सकते, अगर प्लास्टिक की बाल्टी में घोला तो पानी मिलाया इसमें हीट निकलेगी, हीट से गर्मी होगी, प्लास्टिक की बाल्टी क्या होगी, खराब हो जाएगी, गल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लोहे की बाल्टी में घोलते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं घोलते। नंबर वन पॉइंट, अभी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। नंबर टू पॉइंट, इसका नाम मैं बता देता हूं, इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, दिस इज क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम, और उसके बाद इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। उसके बाद जो CaOH होल ट्वाइस बना इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, यानी कि इधर हो गया क्विक लाइम और इधर हो गया स्लेक्ड लाइम, ठीक है। अब जब आपने बोला ठीक है सर, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, नंबर वन, इससे मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर लिख रहा हूं तो उसके मैं रीजन भी बता रहा हूं, तो हिंदी में लिख रहा हूं, आप इसको अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। नंबर वन, कौन सी बाल्टी प्रयोग करेंगे, लोहे की बाल्टी, द बकेट मेड अप ऑफ आयरन, आयरन की बकेट, ठीक है। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, और हीट निकलने के कारण बाल्टी हमारी पिघल जाएगी, ठीक है, तो हम लोहे की बाल्टी यूज करते हैं। नंबर टू पॉइंट क्या है कि जो पानी मिलाया जाता है, पानी का मिलाना, ये हमको थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है। क्या करना है, सावधानी पूर्वक,
यानी कि हमको पानी कैसे मिलाना है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। क्यों, एकदम से क्यों नहीं मिला सकते? अगर एकदम से मिलाया तो एकदम से बिना बुझे हुए चूने में आप बहुत सारा पानी डाल दोगे। बहुत सारा पानी डालने के कारण अभिक्रिया में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, देख रहे हो ना आप, अभिक्रिया होने के बाद क्या हो रही है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, वो भी क्या होगी, बहुत अधिक होगी। और बहुत अधिक होगी तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो चूना है, ये गर्मा गर्म जो खोलता हुआ चूना है, ये बाल्टी से निकल कर आपके आपके हाथ पैरों पर, आपके शरीर के अंगों पर, या फिर आपके मुंह पर भी गिर सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी चीज हमने क्या देखी कि जो पानी मिलाना है वो हमको स्लोली स्लोली मिलाना है, सावधानी पूर्वक मिलाना है। ठीक है, उसके बाद जो नंबर 3 है, ये है सी ए ओ एच होल ट्वाइस। मैं इनके नाम लिख लेता हूं पहले, ठीक है, और सी ए ओ, आप कहेंगे इनके मैंने आपको कितने नाम बताए, इसका मैंने नाम बताया ये है बिना बुझा हुआ चूना या क्विक लाइम, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। सारे कुछ आपको जो जो चीजें यहां पर लिख रहा हूं आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, नहीं तो आपके फर्दर जो भविष्य में एग्जाम होंगे उनमें बनेगा। ठीक है, कैल्शियम, सी ए एल सी आई यू एम ऑक्साइड, और जो ऊपर जो दूसरी तरफ पदार्थ बना है सी ए ओ एच होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो जो जो पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं इनको आप नोट डाउन प्लीज करके रखिए और अपने दिमाग में इनको बातों को बनाते रहिए। ठीक है, तो एक आसान सी अभिक्रिया थी, एक छोटी सी अभिक्रिया थी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसमें हमने ये देखा कि अभिक्रिया से संबंधित 2-3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात, बिना बुझे हुए चूने को घोलने के लिए, जब बाजार से आप चूना लेके आते हैं घर में सफेदी करने के लिए, तो उसको आपको प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं, लोहे की बाल्टी में घोलना है। नंबर 2, जब आप पानी मिलाएंगे तो सावधानी पूर्वक मिलाना है या फिर स्लोली स्लोली उसको ऐड करना है। नंबर 3, CaOH होल ट्वाइस का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम या फिर बुझा हुआ चूना, और जो बिना बुझा हुआ चूना है वो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, क्विक लाइन आपको याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं इन सबके। ठीक है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन सीधे आ जाएगा, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखो, तो आप लिखोगे CaO। ठीक हो गया, चलिए तो ये हो गई अभिक्रिया। अब जब ये चूना तैयार हो गया हमारा, ये हमने बाल्टी ली, दोबारा से दिखा देता हूं, ये बाल्टी ली, लोहे की बाल्टी है, इसमें हमने, ये हमारे पास बैग था, इस बैग में कैल्शियम ऑक्साइड था यानी बिना बुझा हुआ चूना था, इससे हमने निकाल करके पाउडर फॉर्म में इसको भर दिया, यहां से हमने इसमें पानी मिलाया, वाटर मिलाया। ठीक है, और इसके अंदर क्या बन गया, इसके अंदर CaOH होल ट्वाइस बन गया, जो कि क्या था हमारा, स्लेक्ट लाइम या फिर बुझा हुआ चूना। अब इसको हमने क्या करा, इसको हमने ब्रश की सहायता से दीवार पर लगा दिया, इसको हमने ब्रश की सहायता से दीवार पर लगा दिया। ठीक है, दीवार पर किसकी परत चढ़ गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब देखो ध्यान से, यहां से एक बात और आपको समझाता हूं, जब आप ये दीवार पर लगा देंगे आप, तो आपको जो चमक है वो कुछ टाइम बाद दिखेगी। आपको ऐसा नहीं कि जैसे ही आप चूना लगा देते हो दीवार पे तो दीवार चमकदार दिखने लगती है, ऐसा नहीं होता है। जब आप दीवार पर चूना लगाते हो तो उसके कुछ दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो दीवार में जो है चमक आती है। नंबर 3, जो चमक है, जो शाइन है, वो कितने दिन बाद आएगी, कुछ घंटों बाद आती है। तो जो उसकी अभिक्रिया है वो ये है, अभी हमारे पास पदार्थ क्या बना, पदार्थ हमने दीवालों पर क्या लगाया, दीवार पर हमने लगाया CaOH होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर ये बुझा हुआ चूना बच्चों क्या करता है, ये हमारे वातावरण, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। कौन कौन सी, एक तो ऑक्सीजन जिसको हम लेते हैं, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, पानी जो होता है वो जलवाष्प के मात्रा में, जलवाष्प के रूप में होता है, वाटर वेपर के रूप में होता है, और एक और इंपॉर्टेंट गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और ये जो CaCO3 है बच्चों, ये जो CaCO3 है, इसका नाम भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये दीवारों पर चमक के रूप में हमको दिखता है। ठीक है,
तो हमने क्या लगाया, हमने ये लगाया सिलेक्ट लाइम या फिर बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये कैसे बना ये मैंने आपको पीछे समझा दिया। और उसके बाद जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके साथ इसने रिएक्ट करा और रिएक्ट करने के बाद इसने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हमारे दीवारों पर चमक आने लगी। ठीक हो गया, तो चूना लाने से लेकर दीवारों पर चमक आने तक का काम हो गया। ठीक है, अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि एक और नोट याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है ऑल्सो, कि जो संगमरमर है उसका जो रासायनिक सूत्र है, ये भी संगमरमर का रासायनिक सूत्र अलग होता है, नाम अलग होता है। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जो ऊपर CaCO3 है। संगमरमर का पूछेंगे तो भी आपको CaCO3 लिखना है, और दीवारों पर चमक किसके कारण आती है तो भी आपको CaCO3 लिखना है, नंबर वन। नंबर टू चीज, केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र में, इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, केमिकल फॉर्मूला ऑफ संगमरमर का रासायनिक सूत्र, यानी केमिकल फॉर्मूला फॉर संगमरमर को हम लोग कहते हैं मार्बल का पत्थर, केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल, यह है CaCO3। ठीक है, और केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला तो हो गया CaCO3, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है ये मैंने केमिकल नेम लिखा है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है केमिकल नेम क्या है, चलिए मैं नीचे लिख भी देता हूँ साइड में, नंबर टू यहीं पे लिख देता हूँ। ये तो हो गया रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक नाम, संगमरमर का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम में आप लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक हो गया, तो एक चीज और क्लियर हो गया, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र में अंतर पता लग गया। रासायनिक नाम होगा तो आप लिखेंगे CaCO3, सॉरी रासायनिक सूत्र होगा तो CaCO3, और रासायनिक नाम होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम फॉर्मूला हो गया एक, और एक हो गया कैल्शियम नेम, सॉरी केमिकल नेम, तो केमिकल नेम में आप लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये मैंने ऊपर भी लिखा है। तो ये हो गई पूरी प्रक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया की। आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आज के जो मैंने पॉइंट आपको बताया है उसको समझाने का मेरा आपके पास एक ही मकसद है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी आपको और इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी। और समय की कमी के कारण आज की क्लास को हम यहाँ पर रोकते हैं, अगली क्लास को ठीक यहीं से करेंगे कंटिन्यू। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको घर में एक बार जरूर रिवाइज करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।